जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने YouTube चैनल हरीश फिजिकल एकेडमी की स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पहले से ही पता चल गया है कि TA आर्मी की भर्ती नवंबर में होने वाली है, लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है किसी के पास अभी इसका ऑप्शनल नोटिफिकेशन नहीं है। किसी के पास भी कोई अभी तक दिखा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शनल नोटिफिकेशन है कि TA की भर्ती नवंबर में ही होगी। ठीक है, सिर्फ कोई एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसपे कि किसी के ना साइन है ना सिग्नेचर है, वैसे उड़ रहा है। TA आर्मी के दोस्तों जो पहले भर्ती आते थे वे 10 से 15 दिन पहले या एक महीने पहले पेपर में एक छोटी सी जगह में निकलता था कि प्रादेशिक सेना की भर्ती इस जगह पे लगा है, इतने इतने राज्य उसमें भर्ती देख सकते थे। तो ऐसा भर्ती आता था, ओपन भर्ती होता था। हो सकता है कि इस बार फॉर्म अप्लाई हो सकता है कि वैसे ही आए ओपन भर्ती, लेकिन अभी इसके बारे में किसी के पास कोई सूचना नहीं है। सब लोग अपने तरफ से बता रहे हैं, हो सकता कि भर्ती आए हो सकता ना आए। यदि दोस्तों जान लीजिए कि इस बार नवंबर या दिसंबर तक भर्ती नहीं आई 2024 में, तो समझ लेना TA आर्मी की भर्ती आना मुश्किल है, क्योंकि 2019 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद आज तक कोई भर्ती नहीं आया। 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगभग 5 साल होने को है। कितना? 5 साल होने को है। 5 साल में एक भी भर्ती TA आर्मी को देखने को नहीं मिला, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि नवंबर में भर्ती आ जाए। जो दोस्त TA आर्मी में नौकरी कर रहे हैं वे बता रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि उन्हीं के हिसाब से ये क्या नाम नोटिफिकेशन कोई बना के अपना सब लोग वीडियो डाल रहे हैं। हो सकता है सही हो, हम चाह रहे हैं कि भर्ती आए, लेकिन दोस्तों हमें नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ TA आर्मी की तैयारी करें। TA आर्मी की सिर्फ वही बच्चे या फिर ज्यादा तैयारी करें जिनका एज खत्म हो चुका है, उनके पास एक ही ऑप्शन है TA, और वे दौड़ने में अच्छे हो, वही बंदा तैयारी करे। अन्यथा जो बच्चे अनवीर के लिए अभी उनका एक बच्चा है तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। जो जिन बच्चों का एसएससी जीडी में फॉर्म डाले हैं यदि पढ़ने में अच्छे हैं तो वे एसएससी जीडी पे ध्यान दें, और एनटीपीसी का आया है, लोको पायलट का आया है। जो बच्चे फॉर्म डाले हैं पढ़ने में अच्छे हैं वे अभी इस पे ज्यादा ध्यान दें, TA आर्मी पे कम ध्यान दें। और दोस्तों TA आर्मी पे वे बच्चे ज्यादा ध्यान दें जैसे जिनका 30+ एज हो गया। कितना? 30+ एज हो गया है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये कहीं फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ये पहले आर्मी की तैयारी कर रहे थे और अब ओवर एज हो गए हैं, तो वे अब क्या करेंगे बच्चे, ये जो अभी से दौड़ना चालू कर दें। दोस्तों हम वही बताएंगे, यदि आपके पास अभी एज है कहीं भी फॉर्म अप्लाई करें हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्त अभी पढ़ाई करें, सिर्फ आप सुबह में वार्म अप करें। पहली भर्ती यदि आपसे छूट भी जाती है इसके बाद आपको बहुत भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, यदि नवंबर में भर्ती आ गई, मान लो आप रिस्क नहीं तैयार कर पाए तो आपके पास बहुत चांस है, तभी आपको विश्वास हो जाएगा कि भर्ती आएगी। अभी तो किसी को विश्वास नहीं है कि भर्ती आएगी। ठीक है, और नोटिफिकेशन लोड हो जाएगा जिस दिन साइट पे, उस दिन से आप भी तैयारी करना चालू कर देना। लेकिन जिसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या TA आर्मी, तो वे बच्चे जी जान लगा के दौड़े। और दोस्तों देखिए इसमें ज्यादा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जो कहीं और फॉर्म अप्लाई करें हुए अपनी तैयारी करें, क्योंकि इसमें 100 से 150 सीट, इससे ज्यादा कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इससे कम रहेगा, कहीं पे 40, कहीं पे 60, कहीं पे 70, कहीं पे 100 ऐसे सीट आता है, कहीं पे 119 ऐसे सीट आएगा। उसमें एक ना जिला रहेगा, उसमें कई राज्य रहेंगे, कम से कम 5 से 6 राज्य रहेंगे जहां भर्ती लगेगा। तो दोस्त जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं जिनके अभी एज है, कहीं और फॉर्म एसएससी जीडी या अनवीर के थ्रू अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अभी से अपनी पढ़ाई ध्यान दें। ठीक है, और जिनके पास कोई चारा नहीं है, जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, उनके पास कोई चारा नहीं है और वे दौड़ने में अच्छे हैं, एक चीज इसमें होना चाहिए क्या, दौड़ उनकी अच्छी होनी चाहिए। यदि दौड़ने में अच्छे हैं तो वे TA आर्मी पे अभी दी जान लगा दें, अभी से एकदम जी जान लगा के दौड़े, क्योंकि 2 महीने समय है, 2 महीने दौड़ लीजिए। यदि दो से ढाई महीने यदि भर्ती नहीं आई तो आप ये समझ लेना कि अब भर्ती नहीं आएगी, ठीक, तो अपने काम धंधे में लग जाना। लेकिन जिनके अभी एज है दोस्त, पढ़ाई मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ देना, पढ़ाई मत छोड़ना, सबसे बड़ी चीज आपके लिए पढ़ाई है। यदि आप पढ़ते रहेंगे तो कहीं कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, यदि आप TA आर्मी में ही जाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप एकदम जी जान लगा के दौड़ना, तब पढ़ाई छोड़ देना। लेकिन इस समय आप पढ़ाई करें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि TA आर्मी की भर्ती नवंबर में है। ठीक है, हाँ, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उनके पास यही एक ऑप्शन बचा है TA आर्मी, तो वे दौड़े। देखो दोस्तों TA आर्मी में ज्यादा बच्चे स्पोर्ट वाले होते हैं, जो स्पोर्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनकी रेस बहुत अच्छी होती है। क्या? रेस जो है उनकी अच्छी होती है। ठीक, अब उनको आप जल्दी कवर नहीं कर पाओगे, जो हकीकत है वही हम बता रहे हैं, इनको कवर करना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा तो यही रेस निकालेंगे, क्योंकि TA आर्मी में जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है वो तो रेस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
और ये स्पोर्ट वाले बच्चे इसमें ज्यादा रेस दिखा रहे हैं, वैकेंसी भी कम आती है, अभी पता नहीं है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये भी नहीं किसी को पता है। तो आप सब अपनी तैयारी अपने अनुसार करिए, किसी के बहकाव में ना आइए, ठीक है। हम तो चाह रहे हैं कि टीए आर्मी की भर्ती आए, लेकिन अभी तक इसका कोई आपसे नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। और जिनके पास कोई चारा नहीं है दोस्त, वे तैयारी करें, लेकिन जिनके पास अभी चांस है किसी और क्षेत्र में जाने के लिए बेल्ट की नौकरी में, जैसे एसएससी जीडी हो गया, जो बच्चे आरपीएफ का फॉर्म डाले हैं, और जिनके पास अभी अग्निवीर का एज बचा है, ठीक है, ये सब बच्चे अभी पढ़ाई करें, पढ़ाई मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ देना, ठीक है, पढ़ाई सबसे जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।